और खारजा महाज पर हकूमत कमजोर हो चुकी है। हकूमत मजीद चली तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरजमा कारा के तब्दीली सरकार पर लफ्जीवार पीटीआई में दराड़ें पड़ने का इंकशाफ भी कर दिया। कहा इत्तेहादी भी हकूमती पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। नवाज शरीफ से मुतालिक सैर सपाटे के अल्फाज नामुनासिब करार देते हुए बोले, पता नहीं हकूमत को कौन सी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। तो वो बातें जो गैर मानवी होती हैं, जो कमजोर होती हैं, जो किसी और के अपने मुफाद की बातें हैं, उनको अपने झोली में डाल के ढोल बजाना ये इनका खासा है। तो खारजा पॉलिसी का महाज हो, मुल्क के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी संजीदा है, लेकिन जब एक दफा फिसलन पे गाड़ी फिसल जाती है फिर वो रुका नहीं करती। खान साहब के अपने इत्तेहादी इनसे तंग है, पाकिस्तान के लोगों का जो दबाव आ रहा है उससे इदारे भी तंग है, इनके इत्तेहादी भी तंग हैं, इनकी जमात के अंदर से जो क्रैक है वो भी वाजे हो रहे हैं। और अब ये बिल्कुल फैसला है कि हमें इनको जल्द अज जल्द भेजना है ताकि पाकिस्तान को सजा से निकाला जा सके। अगर ये थोड़ा अरसा और चल गया या चलाया गया तो ये पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। ये तो खैर जी नामुनासिब अल्फाज है कि वो सैर सपाटे कर रहे हैं, लेकिन वो इलाज के लिए गए हैं और हम समझते हैं कि उनको इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। या तो फिर उनको पहले ना जाने देते अगर ये तकलीफ होनी थी तो।